Hello, my dear friends. In this video, I will be covering all the important dynasties that are asked in exams regularly. No matter for what exam you are preparing for, you can expect at least one question to three four questions, depending on the weightage of history in that exam. For instance, if it's a SSC exam, then you can expect at least one question from this video. And if it's Allahabad High Court ROARO exam, then you can expect at least three four questions from this single video. Yes, from this video. And you can also verify this by looking at the previous year question papers. And you should do this today. This will also help you, and you will understand the importance of this video. So let's begin the video. I will be speaking in Hindi language, and the written language is English. And if you want the PDF file for this video, you can join our Telegram group. Link is given in the description below. That will be really helpful for your revision. You can do anytime, whenever you want. So let's start. तो सबसे पहले आती है हरियंका डायनेस्टी 544 BC से लेकर 412 BC तक आपको कुछ बुक्स में इनकी डेट्स ऊपर नीचे देखने को मिल सकती हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है हिस्ट्री में ऐसा हो जाता है कुछ हिस्टोरियंस इसके डेकलाइन को थोड़ा पहले मानते हैं कुछ थोड़ा बाद में मानते हैं तो उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन ऐसे होंगे आप उसको ईजिली गैस कर दोगे मतलब ऐसे ऑप्शनस नहीं होंगे जो काफ़ी क्लोज़ होंगे वो इतना जानते हैं वो भी थोड़े दूर दूर ऑप्शन देंगे आप उसको इजिली गैस कर सकते हो तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है सो फर्स्ट डायनेस्टी इज हरियंका डायनेस्टी फाइव हंड्रेड से लेकर फोर हंड्रेड इसका फाउंडर कौन इसका था इसका फाउंडर था बिम्बी सार इंपॉर्टें पॉइंट है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं हु वॉज दाउंड फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी और दे में आस्क हु वॉज दी लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी एंड वट इज द कैपिटल ऑफ हरियंका डायनेस्टीटी इफ इट इज़ नॉ डिस्प्यूटेड देन वॉट इज द कैपिटल ऑफ हरियंका डायनेस्टी या फिर कोई उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकते हैं तो मैंने एक फैक्ट इंक्लूड किया है वैसे आप इनको वो डिटेल में पढ़ सकते हो लेकिन बस मैंने एक ही फैक्ट इक्लूड किया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो यहाँ से उसको याद रख सकते हो लेकिन वैसे तो आपको इसको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप इसके बारे में और भी फैक्ट जानना चाहते हो क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन एक क्वेश्चन जहाँ से आता जाता है वो ये है डायनेस्टी उनके फाउंडर लास्ट रूलर और कभी कभी कैपिटल तो वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूँ एक बार फिर से इसी को देख लेते हैं इसका आपको बार बार रिविजन करना है जब तक आपको ये याद ना हो और पी आपको मिल जाएगी अगर आपको उससे रिविज़न करना है वरना आप वीडियो को देख सकते हो दो तो तीन बार आपको याद हो जाएगा ऐसे ही तो हरियंका डायनेस्टी इसकी शुरुआत हुई थी 544 हंड्रेड फोर्टी में और ये 512 हंड्रेड ट्वेल्ल तक रही थी फाउंडर था बिंबी सार सुपर इंपॉर्टेंट हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंकांकांका डायनेस्टी बिब्बी सार सुपर इम्पोर्टेंट लास्ट रूलर था नाग और कैपिटल थी राजग्रह और ये प्लेस है बिहार के अंदर और हरियंका डायनेस्टी कंटेम्प्रेरी थी गौतम बुद्धा की मतलब जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था कुशीनगर में तब उस टाइम हरियंका डायनेस्टी थी सुपर इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं गौतम बुद्धा का कंटेप्ररी कौन सी डायनेस्टी थी गौतम बुद्धा की कंटम्पररी डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी जिसके फाउंडर हैं बीबी सार चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब शिशुनाग डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी फोर हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड तक इसके फाउंडर हैं शिशुनाग सुपर इंपॉर्टेंट लास्ट रूलर हैं महानदीन और इसकी कैपिटल थी वैशाली बिहार के अंदर है जो तो शिशुनाग डायनेस्टी आती है हरियंका डायनेस्टी के बाद इसके फाउंडर याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है और लास्ट रूलर इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वैशाली किसने ऑर्गेनाइज़ कराई थी वो ऑर्गेनाइज़ कराई थी काल अशोका ने काल अशोका भी शिशुनाग डायनेस्टी का था तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुई थी या तो आपसे बुद्धिस्ट काउंसिल भी पूछ सकते हैं ये भी पूछते हैं एग्जाम में या फिर आपसे पूछ सकते हैं किसने ऑर्गेनाइज़ कराई करा थी वो ऑर्गेनाइज कराई थी 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 जो शिशुनाग डायनेस्टी का था तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में सो so, शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर था शिशुनाग सिंपल अब नेक्स्ट देखते हैं नंदा डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके फाउंडर थे महापदमा नंदा एग्जाम में पूछते हैं काफ़ी बार और ये रही थी थ्री हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड तक और लास्ट रूलर था धनानंद धनानंद का नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी के बाद से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी चाणक्य एंड चंद्रगुप्त की जो स्टोरी है वो इसी के आसपास है चाणक्य की जो बोलते हैं इंसल्ट की थी वो धनानंद ने ही की थी और कैपिटल थी इसकी पाटलिपुत्र जो बिहार के अंदर है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था इंडिया के अंदर पौरु और एलेक्जेंडर आपने शायद स्टोरी सुनी होगी सो एलेक्जेंडर का इन्वेजन नंदा डायनेस्टी के टाइम में ही हुआ था 326 हंड्रेड में उस टाइम इंडिया के अंदर डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी और फाउंडर है इसका महापद्मा नंदा और लास्ट रूलर था धनानंद नंदा डायनेस्टी के बाद आती है मौरियन डायनेस्टी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू बी सी से लेकर वन हंड्रेड एटी फोर बी सी तक फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी को स्टोरी पता ही होगी चाणक्य ने किस तरह चंद्रगुप्त की हेल्प की सो फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त मौर्य और लास्ट रूलर सुपर इंपोर्टेंट लोग इसको भूल जाते हैं वो थे भृदरथ मौर्य और कैपिटल इनकी भी पाटलिपुत्र थी जो बिहार के अंदर है एक्चुअली ऐसा होता था जो डायनेस्टीज होती थी ये अपनी कैपिटल चेंज भी करते रहते थे लेकिन मोस्टली बुक्स में ऐसा माना जाता है जो ज़्यादा टाइम तक रही है उसी को मान लेते हैं तो अगर किसी डायनेस्टी के कैपिटल में कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है उन्होंने काफ़ी बार चेंज की है तो एग्जाम में वो नहीं पूछेंगे तो आप उसको लेकर परेशान मत होना अब देखते हैं मोरियन डायनेस्टी के टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हुई थी वो थी मैगस्थनीज़ जिसने बुक लिखी है इंडिका एग्जाम में यही पूछ लेते हैं इंडिका का राइटर कौन है वो है मैगस्थनीज़ ये एक ग्रीक एम्बेसडर था और इसको चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था चंद्रगुप्त जो मौर्य डायनेस्टी का था उसके कोर्ट में भेजा था सेलुकस निकेटन ने भेजा था जो सेलुकस निकेटर कौन था ये अलेक्जेंडर का जनरल था राइट सो so, सेलुकस निकेटन ने मैगस्थनीज को भेजा था एज अ ग्रीक एम्बेसडर किसके कोर्ट में चंद्रगुप्त के कोर्ट में सुपर इम्पोर्टेंट और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी को पता होगी अशोका भी इसी डायनेस्टी का था मोरन डायनेस्टी का था अशोका और कलिंगा वो किया था उसने ये तो आप सभी को पता होगा ये 261 हंड्रेड में हुआ था जो जो अशोका ने किया था आप सभी को पता ही होगा चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं शुंगा डायनेस्टी 185 से लेकर 75 फाइव बी सी तक फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वॉज पुष्पमित्र शुंगा और लास्ट रूलर थे इसके देवाभूति और कैपिटल इनकी थी पाटलिपुत्र बिहार और फिर उसके बाद इन्होंने चेंज कर दी थी विदिशा और विदिशा अब करंटली है मध्य प्रदेश के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पतंजलि जिन्होंने बुक लिखी है महाभाष्या उनका जन्म हुआ था शुंगा डायनेस्टी के टाइम में ही और पतंजलि किस लिए फेमस है इनको बोला जाता है फादर ऑफ योगा और इन्होंने बुक लिखी थी महाभाष्य ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इनका जन्म हुआ था शुंगा डायनेस्टी के दौरान जिसके फाउंडर हैं पुष्पा शुंगा नेक्स्ट देखते हैं अब कन्वा डायनेस्टी 75 से लेकर 28 बीसी तक इसके फाउंडर हैं वासुदेव लास्ट रूलर थे सुशाराम और कैपिटल है पाटलिपुत्र जो बिहार के अंदर है और विदिशा जो मध्य प्रदेश के अंदर है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि द कन्वा डायनेस्टी और कन्वयान ओवर थ्रू द शुंगा डायनेस्टी इन्होंने शुंगा डायनेस्टी को हरा दिया था उसके बाद ही कन्वा डायनेस्टी आई थी ओ सी बात है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब सतवाना डायनेस्टी 60 बीसी से लेकर 225 बीसी तक फाउंडर थे इसके सिमू का और लास्ट रूलर थे इसके पुलुमावी फोर्थ अब आप सोच रहे होंगे लेकिन दूसरा जो दिया है उसका क्या तो दोस्तों ऐसा होता है हिस्टोरियंस ऐसा करते हैं कि जहाँ पर डायनेस्टी अपने पीक पर होती है वहाँ से लेकर जहाँ पर वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है वहाँ पर उसका लास्ट रूलर मान लेते हैं लेकिन वो लास्ट रूलर तो नहीं होता है ना उसके बाद भी थोड़ा बहुत तो रह जाती है ना वो डायनेस्टी चाहे थोड़े कम एरिया पर रूल करे तो इस वजह से दो रूलर्स आपको देखने को मिल सकते क्योंकि हिस्टोरियंस कभी कभी जो रियल में लास्ट रूलर होता है उसको नहीं मानते हैं तो इसीलिए आपको दो देखने को मिल सकते हैं उसका मतलब है कि एक तो वो है जो हमारी बुक्स में माना गया है एन बुक्स में और यह ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने माना है और एक रियल वाला लास्ट रूलर है तो इसीलिए आपको दो देखने को मिल सकते हैं सो इसके लास्ट सो इसके लास्ट रूलर थे पुलुमावी फोर्थ या फिर यजना श्री सताकर्णी आपको जो एग्ज़ाम में ऑप्शन मिल जाए आप उसको टिक कर देना क्योंकि एक ही ऑप्शन देंगे वो दोनों नहीं देंगे याद रखना वो कैपिटल थी इसकी प्रतिस्ताना या पैठान दूसरा नाम था यह महाराष्ट्र के अंदर है अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत और प्राकृत कौन से रिलीजन की ऑफिशियल लैंग्वेज है या कौन से रिलीजन की रिलीजियस बुक्स स्क्रिप्चर्स जो हैं वो प्राकृत में लिखे हुए हैं यह आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना राइट जैन रिलीजन के याद रखना इसको और इनके टाइम पर एक पॉलिसी थी लैंड डोनेशन टू प्रीस्ट जो पुजारी होते थे उनको लैंड डोनेट करना ये काफ़ी प्रेवलेंट था सतवाना डायनेस्टी के टाइम पर कुषान डायनेस्टी 30 बी से लेकर 230 हंड्रेड तक कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर थे कुजुलू कडफिसिस एग्जाम में पूछते हैं काफ़ी बार काफ़ी ओटसा नेम है लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि और लास्ट रूलर थे इसके वासुदेव फर्स्ट और कुछ जगह पर माना गया है किपू नंदा तो याद रखना लेकिन इसमें फाउंडर ही पूछेंगे जब लास्ट रूलर में कन्फ्यूजन होता है तो एग्जाम में पूछते नहीं है वैसे और कैपिटल थी इसकी पुरुषपुर पुरुषपुर जो पेशावर का पुराना नाम था पेशावर आजकल है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक प्रोविंस है पेशावर तो इंडिया के पास नहीं है उस जगह पर इनकी कैपिटल थी कुषाण डायनेस्टी की अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में यह है कि कनिश्क का एक रूलर था जो कुषाण डायनेस्टी का काफ़ी फेमस रूलर था आप सभी ने नाम भी सुना होगा तो कनिष्क ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क रोड सिल्क रोड तो आप सभी ने सुना होगा और कनिष्क ने चाइना में भी काफी बुद्धिज्म को फैलाया था यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वका डायनेस्टी 250 से लेकर 500 हंड्रेड सी तक फाउंडर थे इसके विंध्या शक्ति और लास्ट रूलर थे इसके पृथ्वी सेना सेकेंड और कुछ जगह पर हरी सेना को माना गया है कैपिटल थी इसकी वस्तागुलम जो महाराष्ट्र के अंदर है करंटली इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और पूछते हैं द तिरककट बुद्धिस्ट विहार्स एंड चेतियास ऑफ अजंटा केव्स अजंटा केव्स जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और काफ़ी पहले ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया था इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बनाई गई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ वका डायनेस्टी और टू बी प्रोसाइज हरी शैना रूल कर रहे थे उस टाइम सो so, हरी सेना ने बनाई थी अजंटा केव्स जो महाराष्ट्र के अंदर हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि अजंटा केव्स कौन से रूलर ने बनाई थी हरिशैना या फिर किस डायनेस्टी के टाइम पर बनाई गई थी वका डायनेस्टी सुपर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट गुप्ता डायनेस्टी आप सभी ने नाम सुना होगा इसके फाउंडर भी पूछते हैं एग्जाम्स में काफ़ी बार सो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं श्री गुप्ता और इसका टाइम पीरियड है थ्री हंड्रेड एडी टू फाइव हंड्रेड एडी लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज विष्णु गुप्ता कैपिटल थी पाटलपुत्रा जो बिहार के अंदर है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं बार बार पूछते हैं हु इज कॉल्ड एज द इंडियन नेपोलियन

यह है समुद्र गुप्ता एंड सबसे पहले शुरुआत किसने की थी नाइन जेम्स की यह है विक्रमादित्य जिनका दूसरा नाम है चंद्रगुप्त सेकंड जो गुप्ता डायनेस्टी के थे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं सिर गुप्ता इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट है, देखते हैं हुन डायनेस्टी फाइव से लेकर फाइव हंड्रेड तक इसके फाउंडर थे टोरामाना एक्चुअली ये इंडियंस थे ही नहीं ये बाहर से आए थे नोमेडिक पीपल थे जो घूमते रहते हैं ऐसे ये नोमेडिक पीपल थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया के अंदर सो इसीलिए इनके फाउंडर का पता है सिर्फ टोरामाना एग्जाम में पूछेंगे नहीं वैसे ये बस याद रखना हूं डायनेस्टी के बारे में और कैपिटल थी इनकी सियालकोट जो पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है आजकल वर्धना डायनेस्टी 550 से लेकर 647 एडी तक फाउंडर हैं इसके पुष्पा लास्ट रूलर थे हर्षवर्धन कैपिटल थी थानेश्वर थानेश्वर है हरियाणा के अंदर और दूसरा इनकी कैपिटल चेंज हो गई थी कन्नौज कन्नौज है यूपी के अंदर अब इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछते हैं हुआन सान ये तो आप सभी ने नाम सुना होगा फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम ये इंडिया के अंदर आया था इसने इंडिया के अंदर विजिट किया था हर्ष के टाइम में जब हर्षवर्धन रूलर था उस टाइम में इसने इंडिया के अंदर विजिट किया था और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कुंभ मेला आजकल देखते हो ना आप सभी लोग प्रयागराज में होता है उज्जैन में होता है जो कुंभ मेला होता है उसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है हर्ष ने ही की थी और इसी डायनेस्टी के टाइम पर हुई थी वर्धना डायनेस्टी के टाइम पर ही और हर्ष चरिता एक बुक है ये लिखी है बानभट्ट ने एग्जाम में ये भी पूछते हैं हर्ष चरिता बुक किसने लिखी है बान भट्ट ने राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट पाला डायनेस्टी एग्जाम में इसके बारे में पूछते हैं सेवन हंड्रेड फिफ्टी से लेकर इलेवन हंड्रेड फिफ्टी ए डी तक फाउंडर माना जाता है गोपाल को लास्ट रूलर माना जाता है रामपाला को कैपिटल थी इनकी मुंगेर बिहार अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछते हैं गोपाल का लड़का धर्मपाला गोपाल का लड़का धर्मपाल उसने फाउंड किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को और नालंदा यूनिवर्सिटी जो काफ़ी खराब हो गई थी उसको रिवाइव भी किया था धर्मपाल ने धर्मपाल कौन था गोपाल का लड़का और लास्ट रूलर था पाला डायनेस्टी का रामपाला और फाउंडर था गोपाला मुंगेर इनकी कैपिटल थी जो बिहार के अंदर है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी 730 से लेकर 1036 थाउजेंड तक फाउंडर माना जाता है इसका नागभट्ट को लास्ट रूलर माना जाता है राज्यपाला को और इनकी कैपिटल सिटीज थी थ्री बिनमल जो राजस्थान के अंदर है अवंती जो एम के अंदर है कन्नौज जो यूपी के अंदर है ये चेंज करते रहते थे अब इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग वॉज़ एट खजुराहो इनका जो टेम्पल बनाने का स्टाइल था वो आपको खजुराहो में देखने को मिल जाएगा तो खजुराहो में काफ़ी डायनेस्टीज़ का रोल था इनका भी रोल था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का भी रोल था खजुराहो को बनाने में और खजुराहो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मध्य प्रदेश के अंदर है इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौहान या फिर चमनास दो नाम थे इनके चौहान चमनाज डायनेस्टी 700 से लेकर 1194 हंड्रेड तक फाउंडर माना जाता है इसका वासुदेव को लास्ट रूलर माना जाता है हरी राजा को कैपिटल इनकी थी अजमेर जो राजस्थान के अंदर है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है जो काफ़ी कम लोगों को पता होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये तो आप सभी ने सुना होगा पृथ्वीराज और इन्वेडर मोहम्मद घोरी के बीच में लड़ाई हुई थी इसमें इलेवन हंड्रेड में सो जो जो पृथ्वीराज थर्ड थे मतलब जो पृथ्वीराज थे जिन्होंने बैटल ऑफ तराइन ने फाइट की थी वो चौहान और चमनाज डायनेस्टी के थे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे घुमाकर ये भी पूछ सकते हैं कि बैटल ऑफ ट्राइन में फाइट करने वाले पृथ्वीराज कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वो थे चौहान और चमनाज डायनेस्टी से दूसरा नाम है चमानज इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना इसको चंडेला डायनेस्टी 900 से लेकर थर्टीन हंड्रेड तक फाउंडर माना जाता है नानुक चंडेला को और लास्ट रूलर माना जाता है वीरा वर्मन सेकंड को कैपिटल थी इनकी खजुराहो जो मध्य प्रदेश के अंदर है महोबा जो यूपी के अंदर है दोनों जगह रही थी और जो इनकी कल्चरल अचीवमेंट्स का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वो आपको देखने को मिल जाएगा हिंदू एंड जैन टेम्पल्स खजुराहो के अंदर जो खजुराहो मध्य प्रदेश है वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसके अंदर जो हिंदू एंड जैन टेम्पल हैं उनको चंडेला डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनवाया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमार डायनेस्टी नाइन से लेकर थर्टीन तक फाउंडर थे इसके उपेंद्र लास्ट रूलर थे इसके महलाका देवा कैपिटल थी इनकी धार नगरी जो मध्य प्रदेश के अंदर है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सिर्फ कि राजा भोज जो थे वो इसी डायनेस्टी के थे राजा भोज के बारे में आप सभी ने सुना होगा आपने एक मुहावरा भी सुना होगा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू थैली तो वो ये राजा भोज थे और ये राजा भोज परमार डायनेस्टी के थे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट सिसोदिया डायनेस्टी वेरी फेमस 1361 से लेकर 1971 तक रहे थे इसके लोग फाउंडर थे इसके हमीर सिंह और जो लास्ट रूलर थे इसके वो थे भगवंत सिंह नाइनटीन वाले वो थे भगवंत सिंह और कैपिटल थी इनकी चित्तौड़ राजस्थान इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को पता होगा महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का आप सभी ने नाम सुना होगा उन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लड़ाई की थी तो वो महाराणा प्रताप सिसोदिया डायनेस्टी के ही थे महाराणा प्रताप जिन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में फ़ाइट किया था अकबर के अगेंस्ट फाइव में वो सिसोदिया डायनेस्टी के थे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना इसको नेक्स्ट है इन्वेडर्स जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे अब उनकी डायनेस्टीज़ देखते हैं इंडिया के अंदर फर्स्ट है स्लेब डायनेस्टी गुलामों की डायनेस्टी <laughs> कितना अत्याचार रहा होगा गुलाम बनाते थे वो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं स्लेब डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक फाउंडर थे इसके कुतुबुद्दीन ऐबक लास्ट रूलर थे इसके मोजुद्दीन कैकबाद <laughs> याद रख लेना जैसा अभी नाम है उल्टा सीधा कैपिटल थी इनकी दिल्ली कुतुबुद्दीन के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको लाख बक्स के रूप में भी जाना जाता था इसको लाख बक्स भी बोला जाता था इसने कुवत उल इस्लाम मोस्क बनाई थी जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाएगी दिल्ली के अंदर और दूसरा अदाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर के अंदर है वो भी इसी ने बनाया था और कुतुब मीनार की शुरुआत भी इसी ने की थी शुरुआत की थी ख़त्म नहीं किया था इसने राइट खिलजी डायनेस्टी ट्वेल्व से लेकर थर्टीन तक फाउंडर था इसका जलालुद्दीन खिलजी लास्ट रूलर था खुसरो खान और कैपिटल इनकी थी दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एक दाग नाम का ट्रेडिशन शुरू किया था इसमें यह था कि होर्स जो है उनकी क्वालिटी क्या है उनकी ब्रीड क्या है उस तरह उनकी ब्रांडिंग करने की शुरुआत की थी इसने और दूसरा इसने चेहरा शुरू किया था चेहरा मतलब जो सोल्जर्स हैं उनको भी इसने डिवाइड कर दिया था कि इस टाइप का सोल्जर है इस टाइप का टोल्जर है उनको भी कैटेगराइज कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने तो दाग एंड चेहरा इसने शुरुआत की थी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं और अमीर खुसरो इसका फेवरेट कोर्ट पोइट था अमीर खुसरो को तो आप सभी जानते होंगे तो वो इसका फेवरेट कोर्ट पॉइंट था नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक फाउंडर माना जाता है इसका ग्यासुद्दीन तुगलक को लास्ट रूलर था इसका नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक और कैपिटल इनकी भी रैली थी अब इस डायनेस्टी के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस था मोहम्मद बिन तुगलक उसने डुआब पर टैक्स लगाया था देवागिरी को कैपिटल बना दिया था जो महाराष्ट्र के अंदर है उसको कैपिटल बना दिया था इसने शिफ्ट कर दी थी अपनी कैपिटल और टोकन करेंसी की शुरुआत की थी खुरासान एंड कराचिल पर इसने चढ़ाई की थी एक्सपेडिशन किया था और वहां से ये फिट कर आ गया था नेक्स्ट देखते हैं अब सैयद डायनेस्टी इसका फाउंडर था खिजिर खान और लास्ट रूलर था आलम शाह और कैपिटल ऑफकोर्स दिल्ली थी और जो तैमूर था तैमूर का आप सभी ने नाम सुना होगा उज्बेकिस्तान का था तैमूर तो खिजिर खान उसका एक नॉमिनी था यहां पर जो सैयद डायनेस्टी का था लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक इसके बाद फिर बाबर आ गया था उज्बेकिस्तान से फाउंडर था इसका बहलोल लोदी एग्जाम में पूछ लेते हैं लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी और कैपिटल थी दिल्ली ऑफ कोर्स सिकंदर लोदी इसका दूसरा नाम था गुलरुखी ये इसी डायनेस्टी का था इसको माना जाता है फाउंडर ऑफ आगरा सिटी और इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी थी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना फाउंडर ऑफ आगरा सिटी किसको बोला जाता है सिकंदर लोदी को जो लोदी डायनेस्टी का था फिर उसके बाद आ जाती है मुगल डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की थी बाबर ने आप सभी को पता होगा जो भाग कर आया था उजबेकिस्तान से वहाँ पर उसको आर्टिलरी मिल गई थी इसलिए कुछ यहाँ पर बैटल्स जीत गया था शुरुआत में फिर उसने रूल करना शुरू कर दिया था ये भी एक इन्वेडर था उज्बेकिस्तान से आया था वहाँ पर इसका बर्थ प्लेस है तो फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स इसकी शुरुआत हुई थी और फोटी तक रही थी और फिर उसके बाद हुमायूं को पीट दिया था मतलब हरा दिया था शेरशाह सूरी ने तो फिर वो भाग गया था ईरान फिर उसके बाद वो जब शेरशाह सूरी मर गया फिर वो आया था फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव में और फिर 1850 या फिर 1857 तक रही थी एक तरह से और फिर 1857 में बहादुर शाह जफ़र वो भाग गया था म्यांमार वहीं पर उसकी ग्रेवयार्ड है वहीं पर उसके कब्र है वहीं पर उसको बेरी किया गया था तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाग कर आए थे वहाँ से भाग कर आए थे फिर जो लास्ट रूलर था वो भी भाग गया था उसने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया था डर कर भाग गया था तो भाग कर आए और भागते 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 ही रहे वैसे ही ख़त्म हो गए मुगल डायनेस्टी का फाउंडर था बाबर लास्ट सुलर था बहादुर शाह जफर जो भाग गया था बाहूर भाग कर आया था वहाँ से और लास्ट रुलर भी म्यांमार में भाग गया था सरेंडर कर दिया था एक तरह से और कैपिटल थी आगरा दिल्ली भी रही थी और आगरा भी रही थी तो मुगल डायनेस्टी में सबसे फेमस है अकबर और उसके नाइन ज्वेल्स थे नवरत्न थे उनके बारे में जानना ज़रूरी है और नाइन ज्वेल्स इन नवरत्न इसने कॉपी किए थे किसके विक्रमादित्य के जिसको चंद गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था याद रखना वो भी इंपॉर्टेंट है तो उसी का कॉपी करके इसने बनाए थे अपने उनका नाम है बीरबल अबुल फजल फैजी टोडरमल भगवान दास मानसिंह तानसेन अब्दुल रहीम खाने खाना दो प्याजा इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से नवरत्न का काम क्या था आप वो आप नीचे बताना कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट है सू डायनेस्टी फाउंडर था शेरशाह सूरी इसी ने पीटा था हुमायूं को जो भाग गया था 540 से लेकर 55 तक मुगल्स यहाँ पर नहीं थे क्योंकि इसने उनको भगा दिया था लास्ट रूलर था मोहम्मद आदिल शाह और कैपिटल थी इसकी सासाराम जो बिहार के अंदर है सो बैटल ऑफ चौसा में हराया था हुमायूं को जो मैं बता रहा था बैटल ऑफ कन्नौज और इसके अलावा शेरशाह सूरी ने शुरुआत की थी पट्टा की पट्टा आपने जमीन का देखा होगा गाँव में होता है जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसके अंदर होता है पट्टा कबूलियत की भी शुरुआत इसने की थी और जो पुराना किला जो दिल्ली के अंदर है वो भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था सू डायनेस्टी का था जो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज और फाउंडर भी जानना जरूरी है या फिर आपसे एग्जाम में यही पूछ सकते हैं शेरशाह सूरी किस डायनेस्टी का था ये सू डायनेस्टी का था जो फाइव से लेकर फाइव तक रही थी और लास्ट होता है मोहम्मद आदिल शाह बाकी चीज़ें तो मैंने बता दिया अब नेक्स्ट देखते हैं अहोम किंगडम सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है 1228 से लेकर सेवनटीन हंड्रेड फोर्टीन तक रहा था ये फाउंडर माना जाता है सुकफा को लास्ट रूलर माना जाता है सुकरन गफा को लेकिन एग्जाम में इनमें से कोई सा नहीं पूछेंगे अभी तक तो नहीं पूछा गया कैपिटल है इसकी चरायडीओ असम के अंदर है जो एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जाता है वो ये है बैटल ऑफ सराय घाट सिक्सटीन में हुआ था ये और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था लचित बोरफुकन का जो कमांडर थे अहोम किंगडम के कमांडर थे आर्मी के और इन्हीं के नाम से नेशनल डिफेंस अकेडमी का जो बेस्ट कैडेट होता है इन्हीं के नाम से उसको ट्रॉफी भी दी जाती है क्यों दी जाती है क्योंकि इन्होंने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी इनकी फोर्सेस काफ़ी कम थी इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का यूज़ किया था और इतनी बड़ी मुगल आर्मी को इन्होंने हरा दिया था फिर उसके बाद वो वहाँ पर नहीं आई थी उसके बाद तो उनके अटैक्स फेल ही होते रहे मतलब फेल ही होते रहे जितने भी किए लेकिन ये वाला सबसे डिसाइसिव बैटल था इसलिए इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ सरायघाट घाट सिक्सटीन सेवेंटी वन रिवर पर हुआ था जो असम के अंदर है ऑफकोर्स लचित बोरफुकन ये नाम याद रखना लचित बोरफुकन थर्टीड अ ड्रोन आउट अटेम बाय मुगल फोर्सेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रकुता डायनेस्टी 752 से लेकर 982 हंड्रेड एटी टू फाउंडर थे इसके डंटी दुर्ग लास्ट रूलर थे इंदिरा फोर्थ और कैपिटल इनकी थी महाराष्ट्र के अंदर मान्याखिता वो इनकी कैपिटल थी अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द फेमस रोक कट टेम्पल ऑफ कैलाश एट एलोरा ये कृष्णा वन ने बनाया था जो राष्ट्रकुता डायनेस्टी का था एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कैलाशा टेम्पल है जो एलोरा एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि एलोरा का कैलाश टेम्पल कौन सी डायनेस्टी के रूलर्स ने बनाया था राष्ट्रकुता डायनेस्टी ये भी एग्जाम में पूछते हैं या फिर फाउंडर पूछ सकते हैं दंती दुर्ग याद रखना दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है एलोरा टेम्पल ये याद रखना नेक्स्ट देखते हैं गंगा डायनेस्टी 505 से लेकर 1434 हंड्रेड तक फाउंडर माना जाता है मित्ता वर्मन और समंता वर्मन दोनों को मानते हैं लेकिन बुक्स में माना गया है मित्ता वर्मन को बट रियल फाउंडर जो 537 से थे वो थे सामंत वर्मन तो जो भी ऑप्शन मैं आप कर देना ऑप्शन में आपको मित्ता वर्मन ही मिलेगा अगर पूछा तो लास्ट रूलर थे भानुदेवा फोर्थ कैपिटल थी इनकी कलिंगा उड़ीसा के अंदर है जो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछते हैं बार बार पूरी मंदिर जो है जगन्नाथ टेम्पल जो है पूरी का एंड कोनाक सन टेम्पल दोनों उड़ीसा के अंदर हैं दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये इसी डायनेस्टी के रूलर्स ने बनाए थे गंगा डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनाए थे पूरी जगन्नाथ टेम्पल जो काफ़ी फेमस है जगन्नाथ यात्रा आप सभी ने सुनी सुना होगा कोनाक्सन टेम्पल ये भी उड़ीसा के अंदर है ये भी गंगा डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनाया था एग्जाम में पूछेंगे जरूर दोस्तों अब आ जाती हैं साउथ की डायनेस्टीज तमिलनाडु केरला कर्नाटक पल्लवा डायनेस्टी 275 से लेकर 897 तक फाउंडर माना जाता है इसका सिम्हार्मन फोर्थ को दूसरा नाम है इनका सिमा विष्णु जो भी आपको एग्जाम में मिल जाए कर देना वो टिक लास्ट रूलर माना जाता है अपराजिता वर्मन को कैपिटल इनकी थी कांचीपुरम तमिलनाडु इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है शोर टेम्पल जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मामल्लापुरम जो तमिलनाडु के अंदर जगह है वो इन्होंने ही बनवाया था पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनवाया था शोर टेम्पल जो मामल्लापुरम के अंदर है नेक्स्ट देखते हैं चालुक्य डायनेस्टी ये भी साउथ की डायनेस्टी है 543 से लेकर 753 पुलकिशन फर्स्ट ये इसके फाउंडर थे लास्ट रूलर थे कीर्ति वर्मन सेकेंड कैपिटल इनकी थी बादामी जो कर्नाटक के अंदर है इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ पट्टा डकाल इसका दूसरा नाम है वीरू पक्सा टेम्पल ये इन्होंने ही बनवाया था चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनवाया था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है संगम डायनेस्टी सुपर इंपॉर्टेंट 1336 से लेकर 1485 तक फाउंडर थे इसके हरिहर एंड बुक्का ये जो अब डायनेस्टीज़ स्टार्ट हो गई हैं विजयनगर एम्पायर के पार्ट हैं जो आने वाली तीन चार डायनेस्टी है मैं बता दूंगा कहाँ तक वो विजयनगर एम्पायर के पार्ट हैं एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं विजयनगर एम्पायर की पार्ट कौन 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 सी डायनेस्टीज़ हैं या इनमें से कौन सी नहीं है इस तरह ही पूछ सकते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है संगम डायनेस्टी इसी ने शुरुआत की थी विजयनगर एम्पायर की फाउंडर हैं संगम डायनेस्टी के हरिहर एंड बुक्का एग्जाम में ये पूछ सकते हैं और काफ़ी बार पूछते हैं कि हरियर एन बुक का जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी वो कौन सी डायनेस्टी के थे वो थे संगम डायनेस्टी के और लास्ट रूलर थे प्रुधा राया और इनकी कैपिटल ऑफकोर्स विजयनगर जो कर्नाटका के अंदर है अब इस डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं निकोलो डी कोंटी जो एक इटालियन ट्रैवलर थे और अब्दुल रजाक जो ईरान से आए थे ये इन्हीं के टाइम पर आए थे विजयनगर में और इन्होंने विजयनगर की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है अपनी बुक्स में एग्जाम में पूछते हैं और किसके टाइम पर आए थे ये आए थे डोरिंग द रेन ऑफ देवराय फर्स्ट एंड देवराय सेकंड जो संगम डायनेस्टी के थे सुपर इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं याद रखना निकोलो डी कोंटी जो एक इटालियन ट्रैवलर था एंड अब्दुल रजाक ये आए थे संगम डायनेस्टी के टाइम पर इन्होंने ही विजयनगर एम्पायर के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा है राइट सलूवा डायनेस्टी ये भी विजयनगर एम्पायर का पार्ट है फोटीन से लेकर फिफ्टीन तक फाउंडर थे इसके सलूवा नरसिम्हा लास्ट रूलर थे लास्ट रूलर थे इसके इमाडी नरसिम्हा राय सेकंड कैपिटल ऑफ कोर्स विजयनगर इस डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वोस्को डिगामा जो पुर्तुगेज था एक वो इन्हीं के टाइम में विजिट किया था इंडिया के अंदर जी हाँ और किसके टाइम पीरियड में वो उस टाइम किंग थे ट्रूमल एंड इमादी नरसिम्हा जो इनके लास्ट रूलर भी थे सलुवा डायनेस्टी के तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट जो विजयनगर एम्पायर का पार्ट है तुलुवा डायनेस्टी 1505 से लेकर 1570 तक रहते हैं फाउंडर माना जाता है वीर नरसिम्हा राय को लास्ट रूलर माना जाता है सदाशिवा राय को कैपिटल थी इनकी विजय नगरा अगेन कृष्णा राय मेन्टेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अल बुकुरकी द पोर्चुगीज गवर्नर सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके अलावा ये भी विजयनगर एम्पायर की पार्ट थी ये डायनेस्टी और फाउंडर थे इसके वीर नरसिम्हा राय और लास्ट रूलर थे सदाशिवा राय अराविडू डायनेस्टी ये लास्ट डायनेस्टी है जो विजयनगर एम्पायर की पार्ट थी 1570 से लेकर 1650 तक फाउंडर माना जाता है इसका तिरुमाला देवा राय को लास्ट रूलर थे इसके श्री रंगा थर्ड और कैपिटल इनकी शिफ्ट हो गई थी पनुकोंडा जो आंध्र प्रदेश के अंदर है साथ हुआ था राइट नेक्स्ट देखते हैं बहामी डायनेस्टी थर्टीन हंड्रेड फोर्टी सेवन से लेकर हनेट, फिर्टीन हनेट, फिर्टीन से माना जाता है इसका हसन गंगू को लास्ट रूलर माना जाता है महमूद शाह बहामी सेकेंड को कैपिटल थी इनकी कुलबर्ग बिदर जो कर्नाटका के अंदर है एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम ऑफ द दल्सो नोन फॉर इट्स परपेचुअल वॉर्स विद इट्स हिंदू राइवल्स ऑफ विजयनगर विजयनगर इंपायर के साथ इनकी कंटिन्यूअसली लड़ाई होती रहती थी राइट right? अब आएंगे पांड्या चोरा चेरा चेरा डायनेस्टी 200 हंड्रेड बी सी से लेकर थाउजेंड ए डी तक फाउंडर माना जाता है उथियान चेरा लथन को लास्ट रूलर माना जाता है रामा कुला सेकरा को कैपिटल थी इनकी कन्नूर जो केरला के अंदर है अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पांड्या चोला एंड चेरा ये तीनों डायनेस्टीज थी वह दी पार्ट ऑफ संगम पीरियड जैसे पहले की जैसे पहले वाली डायनेस्टीज जो मैंने आपको बताई थी वो विजयनगर एम्पायर का पार्ट थी ऐसे ही पांड्या चोला एंड चेरा ये तीनों डायनेस्टीज संगम पीरियड की पार्ट थी यहाँ से पूछ सकते हैं एग्जाम क्वेश्चन नेक्स्ट है चोला डायनेस्टी 300 हंड्रेड से लेकर 1279 हंड्रेड तक फाउंडर थे इसके विजयाला चोला एग्जाम में पूछते हैं और उसके पहले जो माना जाता है ये शुरुआत से थी ना डायनेस्टी लेकिन अपने पीक पर या जब प्रोमिनेंस में आई तब विजयाला चोला थे इसीलिए उनको फाउंडर माना जाता है और पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब थे एलान और लास्ट रूलर इसके माने जाते हैं राजेंद्र चोला थर्ड कैपिटल इनकी थी थंजावुर जो तमिलनाडु के अंदर है अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द मैग्निफिसेंट बृहदेश्वर टेम्पल जो थंजावुर में है तमिलनाडु के अंदर ये राजा राजा चोला ने ही बनाया और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट खामेर किंग सूर्यवर्मन सेकेंड इन्होंने बनवाया था अंकोरवट कॉम्प्लेक्स ये कंबोडिया के अंदर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है सो so, सूर्यवर्मन सेकेंड को भी माना जाता है कि ये चोला डायनेस्टी के वंशज थे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट आ जाती है पांड्या डायनेस्टी 300 हंड्रेड बी से लेकर 1700 हंड्रेड तक इसके फाउंडर माने जाते हैं महावर्मन सुंदारा और जो दूसरे फाउंडर माने जाते हैं जिन्होंने इनसे भी पहले शुरुआत की थी वो हैं काडुनगोन इन्होंने शुरुआत की थी सेवन्थ सेंचुरी में लास्ट रूलर थे इसके वीरा पांड्या फोर्थ जो फोर्टीन सेंचुरी तक रहे थे और कुछ जगह पर माना गया है कोलन कोंडन और या फिर जटा वर्मन भी कुछ जगह पर माना गया है क्योंकि बाद तक भी ये थोड़े थोड़े एरियाज पर रूल करते रहे थे तो इसीलिए जो ऑप्शन में आ जाए वो कर देना आप तीनों को देख लेना एक बार कैपिटल थी इनकी मदुरई जो तमिलनाडु के अंदर है अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट द एनशियंट पोर्ट ऑफ कोरकई इसका प्रेजेंट डे नाम है थोटीकुड़ी जो तमिलनाडु के अंदर है ये ये काफ़ी बड़ा सेंटर था पर्ल ट्रेड का मोतियों के ट्रेड का काफ़ी बड़ा सेंटर था आर्किटेक्चर में इन्होंने जम्मूकेश्वर टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था जो तिरुचिपल्ली में है इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है वो भी पांड्या डायनेस्टी के टाइम पर ही बनवाया गया था नटराजा टेम्पल जो चिदम्बरम तमिलनाडु के अंदर है ये भी पांड्या डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनाया था दोस्तों नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द इंपोर्टेंट डायनेस्टीज़ सो इट्स टाइम फॉर क्विक रिविजन ऑफ द सुपर इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हरियंकाज सो हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार इनकी कैपिटल राजगिरा थी फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गई और लास्ट रूलर थे नागासा का शिशुनाग शिशुनाग फाउंडर थे और महानंदिन लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी महा पद्मानंदा फाउंडर थे और धनानंद लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे और बृहदरथ लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी पुष्पा शुंगा फाउंडर थे और देवभूति लास्ट रूलर थे कानवा डायनेस्टी वसुदेवा कन्वा फाउंडर थे और सुशारमान लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्ता फाउंडर थे और विष्णु गुप्ता लास्ट रूलर थे ये सुपर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं इसीलिए इनका एक बार और रिवीजन कर रहे हैं और जो यहाँ पर लिखे हुए हैं मोस्टली एग्जाम्स में यही ऑप्शंस में दिए जाते हैं तो जब आपको ऑप्शंस वाला कन्फ्यूजन हो तो आप लास्ट में देख सकते हो इस पी फाइल की या वीडियो के लास्ट में पांडे डायनेस्टी दो जगह फैली हुई थी एक तो साउथ में एक सेंट्रल में तो साउथ के फाउंडर थे कौन पांड्यान और सेंट्रल के फाउंडर थे कडुन कोइन और लास्ट रूलर माना जाता है जटा वर्मन पराक्रमा पांड्या को चोला डायनेस्टी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है फाउंडर थे विजयाला चोला और लास्ट रूलर थे राजेंद्र चोला थर्ड सतवाना डायनेस्टी सिमुका को फाउंडर माना जाता है और लास्ट रूलर थे यजना श्री सताकर्णी कुषाण डायनेस्टी कजूला कदाफिस इसको फाउंडर माना जाता है और कीपू नंदा लास्ट रूलर थे पलवाज इसका फाउंडर माना जाता है सिम्हा विष्णु को और लास्ट रूलर थे अपराजिता वर्मन चालुक्य डायनेस्टी इसका फाउंडर माना जाता है पुल किशन फर्स्ट को और लास्ट रूलर थे कीर्ति वर्मन राष्ट्रकुताज इसका फाउंडर माना जाता है दंती दुर्गा को और लास्ट रूलर थे इंदिरा फोर्थ अब आ जाती है इन्वेडर्स की स्लेब डायनेस्टी इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक और लास्ट रूलर थे मुजुद्दीन कोयिकाबाद खिलजी डायनेस्टी फाउंडर थे जलाउद्दीन खिलजी और लास्ट रूलर थे खुसरो खान तुगलक डायनेस्टी फाउंडर थे घ्यासुद्दीन तुगलक और लास्ट रूलर थे फरोज शाह लोधी डायनेस्टी फाउंडर थे बहलोल लोधी और लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी मुगल डायनेस्टी फाउंडर था बाबर और लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफर जो म्यांमार भाग गया था दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू वॉन्ट पी डी एफ फाइल यू कैन जॉइन इन टेलीग्राम ग्रुप एंड डाउनलोड द पी डी एफ फाइल जय हिंद